Hey guys, मेरा नाम है सोनू, आप देख रहे हैं टेक मोबाइकर और आज के इस वीडियो में पास है Vivo T1 5G जो कि अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है और ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन यानी इसमें आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने मिलने वाला है ऐसा Vivo का क्लेम करना है। लेकिन अगर बात करें स्मार्टफोन की तो इसमें आपको देखने मिलता है स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर और ये एक 5G प्रोसेसर है, साथ में काफी तगड़ा प्रोसेसर है अपने इस प्राइस पॉइंट में, क्योंकि बाकी के आप आसपास के स्मार्टफोन को देखेंगे तो वो 20,000 के अब आपको देखने मिलता है। लेकिन अगर बात करें स्मार्टफोन की तो काफी अच्छे प्रोसेसर के साथ में ये आता है और आज के इस वीडियो में करने वाला हूं इसकी टेस्टिंग और आपसे भी बताऊंगा जो इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है वो कैसा देखने मिलता है। 5 डिफरेंट हाई ग्राफिक गेम्स स्मार्टफोन में प्ले करेंगे और देखेंगे जो उसका परफॉर्मेंस है वो कैसा देखने मिलता है, क्या हीटिंग होती है, ये सारी चीजें आप सभी को इसमें टेस्ट करके बताऊंगा। सो स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस और गेमिंग से रिलेटेड सारी चीज जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना और इसी के साथ में अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें तो बिहाइंड द सीन्स के लिए एंड इन्फॉर्मेटिव रील्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द गेमिंग टेस्ट ऑफ Vivo T1 5G। सो गाइज, ये है Vivo T1 5G और अगर बात करूँ इसके कुछ स्पेक्स की तो इसमें आपको देखने मिलता है स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर जो कि मार्केट में एक न्यू प्रोसेसर है और इसके अलावा आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है और इसी के साथ में 240 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे टच सैंपल रेट देखने मिलता है जो कि गेमिंग के टाइम में काफ़ी अलग काम आता है। बाकी इसके अलावा इसमें आपको कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने मिल जाता है जो कि स्मार्टफोन को कूल रखता है। हालांकि मेरे यूजर्स में अभी तक मैंने यहाँ पे हीटिंग वगैरह का इशू नहीं फेस किया है, लेकिन गेम खेलेंगे हम यहाँ पे और पता करेंगे कि क्या हैवी गेम के बाद में ये हीटअप होता है या फिर थोड़ा बहुत इसमें वार्म वगैरह फील होता है या फिर नहीं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करके बताऊंगा। साथ में इसमें आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट वेरियंट्स देखने मिलते हैं, लेकिन जो मेरे पास यहाँ पे वेरियंट है वो है 8GB रैम के साथ में 128GB वाला स्टोरेज और इसी के साथ में इसमें 4GB का एक्सटेंडेड रैम देखने मिल जाता है। सो गेमिंग के हिसाब से कुछ इस तरीके के स्पेक्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा मैंने यहाँ पे इसके गीक बेंच स्कोर को भी निकाल के रखा हुआ है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको सिंगल कोर प्लस मल्टी कोर का स्कोर देखने मिल जाता है और इसी के साथ में एंटीटू का स्कोर भी मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है जो कि 381 के आसपास आता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और कुछ इस तरीके का आपको स्कोर देखने मिल जाता है ऑन स्पेक्स। और अगर बात करूँ यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस की तो अपवर्ड बढ़ते इसके गेमिंग टेस्ट की तरफ और मैं यहाँ पे 5 डिफरेंट गेम्स खेलने वाला हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम रियल क्रिकेट 3D, एसफॉल्ट 9, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर एंड सबसे लास्ट में BGMI और सारे यहाँ पे मल्टीप्लेयर वाले गेम हैं, सारे हाई ग्राफिक वाले गेम हैं और सभी को टेस्ट करके देखते हैं कि यार एक एक गेम जो इसमें है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रियल क्रिकेट 3D से और इससे पहले अगर बात करूँ बैटरी परसेंटेज की तो 71% यहाँ पे बैटरी परसेंटेज है और जो टाइम हो रहा है वो फिर 3:42 के आसपास हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट गेम को। ओके गाइस, तो गेम मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है और अगर बात करूँ यहाँ पे स्पीकर्स की तो सिंगल स्पीकर आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, हालांकि ड्यूअल स्पीकर यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलता है। लेकिन अगर बात करूँ लाउडनेस की तो अच्छी खासी लाउडनेस आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है और मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो अपने गेम को और एक क्विक गेम यहाँ पे प्ले करके देखते हैं कि जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो कैसा देखने मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को इसके सेटिंग्स के बारे में यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके की सेटिंग को यहाँ पे सपोर्ट करता है Vivo T1 5G में। सो गाइस, क्वालिटी में जाके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग तक का सपोर्ट कर लेता है ये स्मार्टफोन गेमिंग के मामले में रियल क्रिकेट 3D में। और इसके अलावा अगर बात करूँ गेम प्ले की, ग्राफिक वगैरह की, तो वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे ग्राफिक देखने मिल जाता है और साथ में जो गेम प्ले है वो भी आपको यहाँ पे स्मूथ देखने मिल जाता है जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग पे खेल रहा हूँ और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी लैग वगैरह देखने नहीं मिल रहा है और अगर आप यहाँ पे हाई सेटिंग या फिर मीडियम सेटिंग पे भी खेलेंगे तो आपको यहाँ पे और भी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा इस गेम का। बाकी इसके अलावा क्योंकि ये एक 3D गेम है और बहुत ज़्यादा हाई ग्राफिक नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो एकदम हैवी गेम नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पे जो गेम प्ले वगैरह या ग्राफिक है वो काफ़ी अच्छे देखने मिल जाते हैं इस गेम के हिसाब से Vivo T1 5G में। Batsman getting ready to face his first ball. Batsman can't find the gap, straight to the fielder. There is a fielder at cover.
सो गाइस अराउंड 2 ओवर के आसपास मैंने यहाँ पे गेम को खेला है और जो अभी तक का गेम प्ले है वो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने मिला है। कोई भी लैग वगैरह या फिर ग्लिच वगैरह अभी तक देखने नहीं मिल रहा है एज ऑफ नाउ। बाकी 2-3 बॉल मैं यहाँ पे और खेल लेता हूँ और फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ और चेक करेंगे कि वाला गेम यहाँ पे कैसा परफॉर्म करता है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे रियल क्रिकेट 3D की तो एज ऑफ नाउ कि यहाँ पे काफ़ी स्मूथली चल जा रहा है। इवन अल्ट्रा सेटिंग पे आप यहाँ पे इस गेम को काफ़ी स्मूथली खेल पाएंगे वीवो T1 5G में। ओके गाइस, तो गेम प्ले काफ़ी सही रहा है एज ऑफ नाउ रियल क्रिकेट 3D का। और अब बढ़ते हैं सीधा हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है एसफॉल्ट, और उसे प्ले करके देखते हैं कि जो उसका गेमिंग परफॉर्मेंस है वो कैसा देखने मिलता है वीवो T1 5G में। ओके गाइस, सो जो गेम प्ले था वो काफ़ी स्मूथ देखने मिला, ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे थे एंड जो ये ओवरऑल गेम है एसफॉल्ट 9 वो यहाँ पे काफ़ी स्मूथली चल जाता है वीवो T1 5G में। और अगर आपको कार वाले गेम एसफॉल्ट 9 वाले गेम्स पसंद है या फिर इस ग्राफिक वाले गेम्स पसंद है तो आपको यहाँ पे ईजली अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा इस गेम का। बाकी अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ और देखते हैं कि उन सभी गेम्स का जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ग्राफिक्स वगैरह वो आपको कैसा देखने मिलेगा वीवो T1 5G में। सो गाइस, ये हमारा नेक्स्ट गेम कॉल ऑफ ड्यूटी। और इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि वीवो के स्मार्टफोन में आपको वहाँ पे गेमिंग मोड भी देखने मिल जाता है सारे स्मार्टफोन में, तो ये वाला भी मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का आपको वहाँ पे फीचर देखने मिल जाएगा। मैं इसे यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड पे सेट कर देता हूँ जो कि काफ़ी हेल्प करता है आपको अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए गेमिंग मोड में। और अब हम अपने गेम को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप सभी को प्ले करके दिखाता हूँ कि जो कॉल ऑफ ड्यूटी है वो आपको वहाँ पे कैसा देखने मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को इसके सेटिंग्स के बारे में दिखा दूँगी किस तरीके का आपको वहाँ पे ग्राफिक्स देखने मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफिक क्वालिटी आपको वहाँ पे हाई क्वालिटी देखने मिल जाती है, साथ में फ्रेम रेट आपको वहाँ पे मैक्स पे देखने मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का आपको वहाँ पे सेटिंग देखने मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसे सेट करूँगा हाई प्लस वेरी हाई पे और फिर से प्ले करके देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस देखने मिलता है वो कैसा देखने मिलता है हमें यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी का। ओके गाइस, तो गेम प्ले स्टार्टिंग में काफ़ी स्मूथ लगा है। बाकी खेलते इसे और आगे बताता हूँ आप सभी को जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो कैसा देखने मिलेगा।
सो गाइस, जैसे कि आप सभी ने देखा, जो फ्रेम रेट और ग्राफिक दोनों वेरी हाई सेटिंग्स पे था, और जो ग्राफिक्स आपको यहाँ पे देखने मिला, गेम प्ले देखने मिला, वो आपको यहाँ पे काफी स्मूथ देखने मिला इस प्रोसेसर के साथ में, वीवो T1 5G में। और इवन जो गेम प्ले था वो भी काफी बढ़िया था, और अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलते हैं तो आप यहाँ पे आसानी से अच्छे तरीके से इस गेम को स्मार्टफोन में खेल पाएंगे। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है यहाँ पे फ्री फायर, और देखते कि जो फ्री फायर है वो स्मार्टफोन में कैसा परफॉर्म करता है। सो गाइस, ये रहा हमारा फ्री फायर गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को इसके सेटिंग्स के बारे में बता दूं कि किस सेटिंग्स पे आप इस गेम को खेल पाएंगे स्मार्टफोन में। तो यस, अल्ट्रा ग्राफिक एंड हाई सेटिंग्स पे आप इस गेम को इस स्मार्टफोन में खेल पाएंगे। और अब बढ़ते हम अपने गेम की तरफ और प्ले करके देखते हैं कि जो गेमिंग परफॉर्मेंस है, गेम प्ले है, वो आपको कैसा देखने मिलेगा वीवो T1 5G में। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अल्ट्रा प्लस हाई सेटिंग्स पे मैंने यहाँ पे इसे सेट किया हुआ है, और इस सेटिंग्स पे आप यहाँ पे गेम को खेल सकते हैं, यानी मैक्सिमम सेटिंग्स पे आप यहाँ पे गेम को खेल पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे मीडियम या फिर स्मूथ ग्राफिक्स पे खेलेंगे तो आपको ये और भी बेटर परफॉर्मेंस देगा। बाकी हम इसे प्ले करके देखते हैं कि जो गेम प्ले है या फिर जो ग्राफिक्स वगैरह वो हमें कैसा देखने मिलेगा आगे इस गेम में। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, जो फ्री फायर था वो भी स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छा चल गया, इवन वेरी हाई सेटिंग्स पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गया। लेकिन जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि अगर आप इसे मीडियम सेटिंग्स पे खेलेंगे तो आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा स्मूथ और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा गेमिंग का। लेकिन अब बढ़ते हमारे सबसे लास्ट गेम की तरफ, जो कि है BGMI, और देखते हैं कि जो उसका गेमिंग परफॉर्मेंस है वो आपको वीवो T1 5G में कैसा देखने मिलेगा। सो गाइस, ये रहा हमारा फाइनल गेम BGMI, और एक बार इसके सेटिंग्स के बारे में आप सभी को यहाँ पे बता दूं कि जो गेमिंग का सेटिंग है वो आपको कैसा देखने मिलेगा। सो गेमिंग के लिए आपको जो ग्राफिक सेटिंग है वो HD, साथ में जो फ्रेम रेट है वो हाई पे देखने मिल जाता है। और अगर आप इसे और स्मूथ खेलना चाहते तो आप इसे और लोअर सेटिंग्स पे खेल सकते हैं, लेकिन इस सेटिंग्स पे हम यहाँ पे खेल के देखेंगे स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे कि ये जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो कैसा देखने मिलता है हमें हमारे वीवो T1 5G में BGMI का। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे हम लोग इस गेम को खेल रहे हैं एज ऑफ नाउ, और जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने मिल जा रहा है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो इसका जायरोस्कोप सेंसर है वो इस प्राइस रेंज के हिसाब से उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, हालांकि इसमें आपको जायरोस्कोप देखने मिलता है पबजी के लिए, BGMI के लिए, लेकिन एज ऑफ नाउ जो उसका परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने नहीं मिल रहा है।
सो गाइस, जैसे कि आप सभी ने देखा, जो BGMI का गेम प्ले था वो आप सभी को काफी अच्छा देखने मिला। स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स पे काफी अच्छा खासा गेम प्ले यहाँ पे देखने मिल जा रहा था। लैग वगैरह देखने नहीं मिला था, ग्लिच वगैरह देखने नहीं मिला, लेकिन जो इसका जायरोस्कोप सेंसर था वो उतना अच्छे से साथ नहीं दे रहा था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। बाकी ओवरऑल जो गेम प्ले था BGMI का वो आपको यहाँ पे काफी अच्छा देखने मिल जाता है। और इसी के साथ में ये था मैं तब से आप सभी के लिए इसका एक डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट, गेमिंग रिव्यू, एंड होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और गाइस, अगर बात करूँ बैटरी ड्रेन की तो अराउंड 10% का यहाँ पे बैटरी ड्रेन हुआ है। और इसके अलावा अगर बात करूँ यहाँ पे गेम प्ले की तो अराउंड 1 घंटे से ज्यादा का मैंने यहाँ पे गेम प्ले किया। हालांकि मैंने आप सभी को यहाँ पे वीडियो कट करके दिखाया, लेकिन 1 घंटे के आसपास मैंने यहाँ पे गेम प्ले किया है। बाकी इसके अलावा अगर बात करूँ हीटिंग इशू की तो यहाँ पे किसी भी तरह का हीटिंग इशू मुझे यहाँ पे देखने नहीं मिला है। इतने लंबे गेम सेशन के बाद में भी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसी के आसपास रहा है ये इसका स्मार्टफोन का। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई भी हीटिंग इशू देखने नहीं मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको कूलिंग सिस्टम भी देखने मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं इसे मेंटेन रखता है और हीट होने नहीं देता है स्मार्टफोन को। और अगर आप सभी जानना चाहते थे कि वीवो T1 5G में जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो कैसा देखने मिलता है, तो होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी को आइडिया हो गया होगा। जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो आप सभी को काफी अच्छा देखने मिल जाता है वीवो T1 5G में। सारे गेम्स यहाँ पे काफी अच्छे चल जाते हैं, सारे हाई ग्राफिक गेम जो मैंने यहाँ पे खेले वो काफी अच्छे से स्मार्टफोन में परफॉर्म कर जाते हैं। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में काफी अच्छा खासा रिजल्ट आपको दे देता है वीवो T1 5G। बाकी इसके अलावा अगर आप सभी कोई डाउट या फिर क्वेश्चन है स्मार्टफोन को लेकर तो मेक श्योर नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं उन सभी का आंसर करूंगा। बाकी इसके अलावा मैंने इसकी अनबॉक्सिंग और साथ में कैमरा रिव्यू भी किया हुआ है, तो उसका वीडियो भी आप नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने मिल जाएगा, तो उन्हें भी चेकआउट कर लेना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में जो भी वीवो T1 5G के बारे में जानना चाहते हैं उन लोगों के साथ में। बाकी कमेंट करके बताना कि आप सभी को इसका जो गेम प्ले है वो कैसे लगा, बाकी ये स्मार्टफोन आप सभी को कैसे लगा। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं देन मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और मैं मिलता हूँ ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।